नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने जारी किया लेटेस्ट सर्कुलर, जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सर्विंग वे रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है दिनांक 21 जून 2019 को। दोस्तों चाहे आप सर्विंग एम्प्लॉयज हो या फिर पेंशन भोगी हो, सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, CGHS बेनिफिशियरी अपनी दवाइयों लेने वेलनेस सेंटर जाना पड़ता है, वहाँ पर अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब भी आप दोबारा दवाइयाँ लेने जाते थे तब दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने दवाइयों के लिए पहले से ही इंडेंट किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी दवाइयां कलेक्ट कर सकते हैं। इस सर्कुलर के माध्यम से अब इसका रास्ता साफ हो गया है और अब आपका CGHS कार्ड अब पूरे देश में वैलिड रहेगा। आप कहीं से भी दवाइयां खरीद सकते हैं, आप अपना कहीं से भी इलाज भी करवा पाएंगे। तो अब आप अपनी दवाइयां देश के किसी भी वेलनेस सेंटर से दवाइयां खरीद सकते हैं, आपको वेलनेस सेंटर वाले मना नहीं कर सकते हैं। सभी CGHS एडिशनल डायरेक्टर को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इसका सख्ती से पालन करें। तो दोस्तों सभी CGHS बेनिफिशियरीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि उनको अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा दवाइयाँ लेने के लिए, और वो अपना इलाज कहीं से भी करवा सकते हैं और देश के किसी भी वेलनेस सेंटर से अपनी दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।